ओके वाह साक्षी, कितना हैवी कर दिया देखियो। हैवी बंदगी है। हैवी बंदगी है। अब तब सुंदर एवरीवन वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज कर रही हूँ व्लॉग की स्टार्टिंग मैं। आज है संडे तो सोचा आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं करती हूँ। तो वैसे तो ऑफिस जब जाना होता है तब आँख तो खुलती नहीं, ठीक है, इतनी मुश्किल से आँख खुलती है, बट आज संडे था और आज इतनी जल्दी आँख खुल गई। चलो फिर भी जल्दी उठ के फ़ायदा हुआ, उठ के जल्दी सफाई कर ली, मैं रेडी हो गई हूँ। बट अब तो बज गए हैं, टाइम हो गया 1 बज गया अप्रॉक्सीमेटली, तो अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है। क्या मैंने प्राग की आज फरमाइश थी कि आज खाने हैं उसको आलू के परांठे, ठीक है। प्राग भी रेडी होकर अपनी मूछें सेट कर रहा है, जिसको इतना टाइम लग जाता है इसको रेडी होने में। हाँ जी प्राग, क्या कहना चाहेंगे? संडे था, संडे जैसे जाएगा और कैसे? क्या प्लान है? कहाँ लेट उठी? वो तो ऑफिस जब जाना होता है तब इतनी मुश्किल से आंख खुलते, बड़ा संडे था जल्दी आंख खुल गई। और संडे है, लंच अपना लंच कर रही है, लंच करवाएगी या वो आलू के परांठे ब्रेकफास्ट करवाएगी? देखो गाइस अभी तक व्लॉगिंग पे लगी आते ही कैसे क्या यार साक्षी क्या करेगी तू? आलू उबल चुके हैं तो चॉपिंग मैंने कर दी है, जिसको परांठे तो बनाने नहीं आते, आलू के परांठे बनाने नहीं आते, रेसिपी पूछ रही है। मैंने पूजा भाभी को फोन किया है, मैं परांठे बता दो क्या। पूजा भाभी तेरा परांठे नहीं बनाने आते हैं ना? ये क्या है? अब मसाला खा के देखो कैसे बना परांठे का। तो पहले चेक करवाने आई है, कंफर्म तेरे को लगता नहीं है अच्छा होगा? अब एक बार खा के तो देखो टेस्ट करो। अच्छा मुझे देख, खा के देखो कैसे बना। फिर उसके परांठे बनाने शुरू कर, कमी पेस्ट्री तो मैं डाल तो दूंगी, नमक मिर्च। ऐसे एक्सप्रेशंस, वाओ वाओ, काम को नहीं आता तेरे को कुछ भी। टेस्टी कहाँ से हो गया पड़ोसन तो तूने वो करनी दी थी पुनम भाभी से कॉल की, हाँ कैसे करना है? तो यार उनके परांठे इतने टेस्टी थे ना, जो उसमें टेस्ट आ रहा था। तो तू कब बनाएगी ऐसा, कब खिलाएगी खाना? कौन से वाले बना रही है? तो परांठा रोटी है, दिखाइयो कैसे बनाते हैं डबल रोटी का। पहले एक छोटी रोटी बेली, हां फिर इसको रखते हैं, फिर इसको बेली। अच्छा ये भी आटा भी ना, तो थोड़ा पतला। शादी करानी है, शादी करानी है, मतलब ये मत प्रोसेस मत देखा करो, रिजल्ट देखा करो। रिजल्ट देखता हूँ कितना टेस्टी है कितना नहीं। ये लो, तो सिंगल वाले अच्छे लगते हैं, उसमें आटा ज्यादा नहीं होता। तो इसमें कौन सा आटा ज्यादा रहेगा? ये होते भर में। भर में गोलगप्पे बना रही है। वाह साक्षी, कितना हैवी कर दिया देखियो। हैवी बंदगी है, हैवी पराठा। हाथ तब उसने तेरे को लगा लिया इस बात से मैंने। हम तो ऐसे खाते हैं। तो तुम खाते हो, हम नहीं खाते ऐसा। तो खा के देखो, खा के शादी हुई है तो चीजें तो बदलेंगी। क्या बदलेंगी? अभी इतने टाइम से कितने 26 साल से आप सिंगल ही खाते आ रहे हो, अब 27 साल में ये खा लो डबल। देखते हैं कैसा बना है। अच्छा बनेगा, ऑरेंज वाला ना खा कर पता चलेगा। A few moments later. कितनी ऑरेंज ऑरेंज परांठा दिखाना, दिखाता हूँ रुक, दिखा कौन सा है, दिखा। ये देखा आप आ गया, दे रहे ना आपका ये परांठा सिंगल पेड़े वाले को मार। वो खाकर पता चलेगा कि कैसा है टेस्ट। हाँ
इतना है भैया पकड़। मैं जाती हूँ प्राग के पास और पूछ के आती हूँ परांठे कैसे बने। लो परू आपकी चाय। देखियो मलाई डाली है तो वो पता लगेगा। खा के बताओ कैसे बने। इतने खतरनाक। अच्छे बने। बहुत सही है। मसाला ठीक है। ओके रिपोर्ट। ठीक है अब लेके आते हो दूसरा परांठा। ठीक है संडे का दिन हो आलू के परांठे के साथ ये जरूरी है ना। हर घर की कहानी है ना। हर घर की कहानी। जेठालाल। जेठालाल के बिना खाना अधूरा। चाहे वो ब्रेकफास्ट हो जाए लंच हो जाए चाहे वो डिनर हो चाहे वो बल्कि डेयरी। क्या कर दिया यार अभी मैंने गैस ऑफ। और रिव्यू ले ले परांठे के। हां वो लेने भी जरूरी है। तो गाइस देखो परांठे का रिव्यू। मैं पहली बार आलू के परांठे खिला रही हूं। तो इधर क्या कर दिया ये। हर बारी नहीं तेरे काम ही ऐसे हैं तू इसको ना सिम नहीं रखती। चलो जाओ आप परांठे खाओ। A few moments later. खाना वगैरह हो गया। साक्षी अपना व्लॉग देख रही है। हाँ जी व्लॉग देख रहे हो। और ये शॉर्ट्स देखा कितने चल गए। जबरदस्त। ये माथे पे क्या हो गया तेरे। व्लॉग देख रहे हैं अपना भी बैठे हुए। खाना वगैरह हो गया था। परांठे खाए हैं बट ये व्लॉग देखते हैं कैसा लगा। आप भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है और आगे भी व्लॉग हमारे शेयर करते हैं। 3 hours later. सो गाइज अब हम आए डिनर करने बाहर। ये बैठा प्राग चित्रा दीदी और गौरव भैया के साथ हम आए थे कि चलो थोड़ी आउटिंग हो जाती है। पहले ही ऑलरेडी अब फंक्शन चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो कि सब कितना इन्जॉय कर रहे हैं और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। तो अब देखते हैं हम खाने में अब क्या मंगवाएंगे। मैंने और भैया ने मंगवाया था नॉन वेज। प्राग और चित्रा दीदी ने मंगाया वेज क्योंकि आपको पता है वो तो वेज है उन्होंने तो प्योर वेज खाया। तो मैंने खाना हम डिनर से आ चुके थे तो अब हमारी हो रही है गुड नाइट। हाँ जी लगा लो। कब क्या हुआ तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ जी कर ले डिनर। बहुत टेस्टी टेस्टी खाया। तो तूने नॉन वेज खाया है ना। चिकन फाइनली। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।